finish with Jonathan. Do my love. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 29 अप्रैल और आज मेरा बर्थडे है। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। तो मैं अपना व्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ और मुझे अभी जाना है मुनमुन को लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि उसका स्कूल ऑफ होने का टाइम हो चुका है। लेकिन मैंने अभी चावल चढ़ाया हुआ है, तो अभी वो चावल होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जा पाऊंगी। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा सा लेट भी हो रहा है उसका स्कूल जाने के लिए। तो अब चेक करते हैं चावल हुआ कि नहीं। चावल बिल्कुल हो चुका है और 2 मिनट इसको लगाना है। तब तक मैं जाऊंगी, खुद तैयार हो जाऊंगी। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है और अभी जाऊंगी बाल वगैरह समेट लूंगी। यहाँ पे लाइन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दिन के टाइम में, इसलिए सभी जगह का लाइट वगैरह ऑफ करके रखती हूँ। और आज खाने में मैंने बनाया है चिकन और चावल। तो यहाँ पर मेरा चावल बनके बिल्कुल तैयार है और उसको मैं फाइनल थोड़ा सा हल्का सा गैस पे गरम कर ले रही हूँ, ताकि उसका जितना भी अंदर में माड़ है वो सब निकल जाएगा। तो अभी मैं जाऊँगी मुन्नू को लेके आऊँगी, और साथ में मुझे मार्केट में भी कुछ काम है, फ्रूट्स वगैरह खरीदना है। मुन्नू को टिफ़िन में देती हूँ फ्रूट्स वगैरह, तो वही सब मैं अभी खरीद के लेके आऊँगी सारी चीज़ें। तो मिलती हूँ मुनमुन को लाने के बाद, स्कूल से लाने के बाद। उसका टाइम हो चुका है, उसको लेट हो जाएगा। फ्रूट्स में लाई हूँ केला और तरबूज, तरबूज और अंगूर लेके आई हूँ। तो अभी मैं उसी को दूंगी मुनमुन को, और मैं दिखाती हूँ आज का हमारा लंच क्या है। ये रहा चावल और ये है चिकन, का कलर काफी अच्छा आया है। ये होगा हम लोगों का दोपहर का लंच, और शाम में हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। जहाँ पे जाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शाम का हमारा नाश्ता हो चुका है, और यहाँ पे मैं कपड़े को धो रही हूँ मशीन में, क्योंकि दिन भर लाइन का स्थिति ठीक नहीं रहता है तो मैं रात में ही धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि कोई सा भी टाइम हो, आपको काम तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। कौन बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? ये अच्छा चॉकलेट तो लाए हैं, तो डेली डेली चॉकलेट नहीं तो और क्या चाहिए बताओ। तो
तब आप मम्मी के लिए चॉकलेट लेकर के आए, मम्मी का बर्थडे है, सोचे कि बच्चा के लिए भी कुछ लाना पड़ता है, बच्चा के लिए भी कुछ लाना पड़ता है, नहीं सोचे? बच्चा के लिए डेली चॉकलेट आता है, इसलिए बच्चे गुस्सा के फुर्सत है। अरे केक फट, केक में जाएंगे। क्या बोलती है तू? देखो आ इधर आ, क्या आ इधर आ, मेरा वीडियो ले रहे हैं। हां ये देख, मैं आ गया। किधर है? इधर बगल में। आपके मन से तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस, फुल नहीं दिख रहा है। मम्मी ये वर्क किया हुआ है, ये देखिए कुछ सिक्के जैसा। बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए केक, मेरा केक दिखा बेटा, दिखा दिखा दिखा। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और केक में लिखा हुआ है टू माय लव। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट किए हैं आज एक चॉकलेट और ये तकिया लव टाइप का। तो बोल रहे क्या कि नहीं तुम फ़ोटो खिंचवाओ, हम इतना प्यार से लाए हैं तुम्हारे लिए। और मुनमुन चुपके चुपके केक का मज़ा ले रही है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था। तो जब हम लोगों ने मोबाइल देखा वीडियो वगैरह, तब पता चला कि हाँ वो चुपके चुपके केक भी खा रही थी। तो वही मेरे हस्बैंड फ़ोटो खींच रहे हैं और यही हम लोग इंजॉय कर रहे थे घर में। उसके बाद मुनमुन का भी फ़ोटो वगैरह हुआ, लेकिन मुनमुन इतना ही नाटक करती है फ़ोटो खिंचवाते समय कि कोई भी, मतलब फ़ोटो खींचने से तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए खेलने के लिए। और मुनमुन के पापा को भी बहुत पसंद है मुनमुन का एनी टाइम फ़ोटो लेते रहना, क्योंकि होता है ना बच्चों से इतना लगाव होता है कि उसका हर एक छोटा से छोटा मोमेंट आदमी रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहता है। तो यहाँ पर मुनमुन मेरा बर्थडे को लेकर ज़्यादा ही खुश थी और साथ में खुश थी केक को लेकर के। तो वही हो रहा है अभी। माय लव, चलिए तीनों मिलके काटते हैं। नहीं तुम ही काटो, हम लोग क्लैपिंग करेंगे। पहले बर्थडे गर्ल, फिर बर्थडे गर्ल्स डॉटर, राजा मेरा बच्चा, मेरे हाथ से खाइए। लगाना पड़ेगा क्या? उनका नाटक एनी टाइम रहता है। तुम खाई नहीं? अच्छा लोग खा के देखो, हम खराब चीज खाते हैं। और यहाँ पर चालू हो गया हमारा केक खाने और खिलाने का सिलसिला। एज यूजुअल सब किस कोई एक दूसरे को केक खिला रहे थे और मुनमुन का वैसा ही नाटक चल रहा था कि नहीं हम अपने से केक काट के खाएंगे। और यहाँ पे मुनमुन पूरी तरीके से गुस्से में थी, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि वो आखिरकार गुस्सा क्यों कर रही है। फाइनली मुनमुन ने खुद बताया
कि तुम लोग अपने से केक काट के खा रही हो, हमको कोई केक काटने ही नहीं दे रहा है, बच्चों का बच्चों जैसा ही फरमाइश, हम अपने से ही केक काट के खाएंगे। तो फाइनली वो अपने से ही केक काटी और ख़ुद से ही खाई। वो बहुत तेज़ है केक खाने में, उसको बहुत पसंद है केक। हम लोग उसके लिए अक्सर पेस्ट्री वगैरह लाते रहते हैं और वो चाहे तो एक केक वो अकेले ही खा ले और उसको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना उसको केक अच्छा लगता है। इधर आ जाओ, तुम इधर आओ। उसमें तो आ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लाइट है। बस Thank you.
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पनीर चिल्ली को, और ये हमारा स्टार्टर था पनीर चिल्ली। दिखिए नहीं रहा है, नहीं दिखेगा। पनीर चिल्ली मुनमुन के फरमाइश पे आया था, तो मुनमुन को तो खाते दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मुनमुन एंजॉय कर रही है अपना फेवरेट पनीर चिल्ली को, और वो बहुत सारा शिकायत भी लेके बैठी हुई है अपने पापा के पास। और नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर किए थे चिकन तंदूरी, तो हम लोग जब भी किसी लंच पे जाते हैं तो हम लोग ज़रूर ऑर्डर करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चिकन चिल्ली खाना, तो यहाँ पे मुनमुन उसको एंजॉय कर रही है। और ये था हमारा फाइनल खाना, नान और चिकन का मसाला, चिकन मसाला। तो यहाँ पे मुनमुन को अपने से ही ले रही है मुनमुन, और मेरे हस्बैंड मेरे को सर्व कर रहे हैं चिकन, क्योंकि बाउल उन्हीं की तरफ था रखा हुआ। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा। हम लोग घर लौट चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:10 है, तो अभी हम लोग लौटे हैं। और ये था मेरा आज का बर्थडे स्पेशल डे, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग देखिए, और कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, तो कल तो कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग बनाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, और आज रात के लिए गुड नाइट।